हेलो गार्डियंस, गुड मॉर्निंग। पिछले कई दिनों से मैंने अपने आप को चैलेंज दिया हुआ था फिटनेस का, तो जारी रहा। सुबह सुबह हर रोज़ मॉर्निंग वॉक करना, काफ़ी मज़ा आ रहा था। डेली का मैं 6000 स्टेप्स अपना कंप्लीट कर रहा था, 6000 से ज़्यादा भी हो रहा था, 8000-9000 स्टेप्स अपना कंप्लीट कर रहा था, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो उसमें मेरे को कैलोरी बर्न हो रहा था करीबन 200-300 या फिर 400। पहले तो रास्ते पर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, उसके बाद हम आकर फील्ड पे क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा सा फील्डिंग करते हैं, और फिर से हो जाता है हमारा वर्कआउट सुबह का। तकरीबन पकड़ लो ना, सुबह में मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाता है अपना वर्कआउट का पूरा सेशन मॉर्निंग वाला कंप्लीट करने में। तो बहुत दिनों से मैं ये फिटनेस जर्नी अपना कंटिन्यू कर रहा था, तो आज फाइनली मेरे को थकान आया पैरों में, थोड़ा सा एकदम ढीलापन, चल नहीं पा रहा था, तो इसी वजह से मेरे को ग्लूकोज पीना पड़ा और एनर्जी ड्रिंक भी पीनी पड़ी, ज़्यादा नहीं ग्लूकोज टाटा वाला, और एनर्जी ड्रिंक कोई कुछ भी नाम से था, मैं भूल गया। तो अभी एनर्जी से भरपूर हूँ फिर से, तो ब्लॉगिंग के लिए फुल एनर्जी। आजकल मैं फिटनेस के लिए कौन सी डाइट ले रहा हूँ आपको मैं आज बताऊँगा, अभी के अभी जस्ट सुनते जाइएगा, गौर करिएगा मेरी बातों पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस करना ये है कि आपको हेल्दी डाइट अपनाना है अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी से शुगर को कट करना है, कट डाउन करना है, ज़्यादा प्रोसेस फूड, फास्ट फूड वगैरह को, जंक फूड को, स्पेशली जिनमें पाम ऑयल हो, वो सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो मैं स्पेशली सुबह ब्रेकफास्ट में चाय पीता हूँ बिना शुगर वाली, उसमें थोड़ा सा दूध है, फिर भी चल जाएगा मेरे लिए उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं पीता मैं, बस पीता हूँ अपनी सुबह के ब्रेकफास्ट में मैं क्या क्या लेता आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। ब्रेकफास्ट में मेरा एक फेवरेट चीज़ है, वो है मखाने, ये वाला हैप्पी लोगा। तो इसमें क्या खास बात है, ये है ग्लूटेन फ्री, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, गुडनेस ऑफ ऑलिव ऑयल, नेवर फ्राइड, नो ऑनियन, नो गार्लिक, 100% वीगन डाइट। सही है यार, ये वाला फ्लेवर सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, दाम भी ज़्यादा नहीं। इसका प्राइस है 20 रुपीज़ पर पैकेट। प्रोटीन इसमें हमको 6% का मिलता है, 6% का प्रोटीन, देखिएगा आप लोग। तो मुझे अपना वेट भी चेक करना पड़ेगा आज, तो चलो चेक करते हैं। इसे सब हटाना पड़ेगा पहले, तो फाइनली, अरे बाप रे बाप, तो गाइस अभी वेट चेक करते हैं। अबे कितना है वेट, पूरा 74 है अभी, अभी तो 74 दिखा रहा है, खाना खाने की वजह से शायद। तो इससे हमें लाना है 69 में या फिर 65 के पार में, तो नया टास्क मिल गया। तो काफ़ी हैवी वाला खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब मैं थोड़ा सा अनहेल्दी हो गया हूँ। क्या बात कर रहे हैं, अपने हाइट के हिसाब से। हेलो गर्तिन्स, गुड मॉर्निंग, आज है संडे 28 अप्रैल। तो आज मैंने अपने फिटनेस गोल में कितना अचीवमेंट किया वो आपको दिखाता हूँ। तो आज मैंने 9397 स्टेप्स कंप्लीट किए ओनली 91 मिनट्स में, तो कैलोरी बर्न किए हमने 376, देख लेना आराम से, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मज़ा आया फिटनेस गोल अचीव करने में। थोड़ा सा वेट भरा हुआ है, इसे कम करना है हमें। हेलो गर्तियंस, गुड मॉर्निंग, आज है 30 अप्रैल, ट्यूजडे।
आज मंगलवार है तो आज के दिन मैं वेज खाने की ट्राई करूँगा, तो आज रहा तो शनिवार को भी रहना नहीं पड़ेगा, काफ़ी स्वेट स्वेट सा हो गया। तो मेरा चैलेंज क्या था, मेरा चैलेंज यह था कि कुछ दिनों में मेरे को वेट कम करना है, तो आज देखते हैं वेट कितना कमा है। उठ जाता हूँ मैं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ 74-75 था उस दिन, तो आज 69 पे है वेट मेरा, 69-70 के बीच। यो मैन, बहुत खुशी हुई आज के दिन वेट को कंट्रोल कर पाके, बहुत ही मज़ा आया, मज़ा आता है यार। आज फिर से टेम्पर ग्लास आने वाला है, पिछला वाला तो ऐसा है देख लो आप लोग, फुल साइज़ नहीं है, बस हाफ कटिंग है, एकदम प्रॉपर साइज़ का नहीं है। मेरे कुछ शिकायत है गाइस, अभी ये ऑनलाइन वालों से, फ्लिपकार्ट अमेजोन जो भी हो, ये DSLR का टेम्पर ग्लास बनाने वाले कंपनियों से ना मेरे को बहुत अभी दिक्कत हो रहा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, अच्छे से नहीं बना रहे ये लोग, स्कैम कर रहे हैं स्पेशली कस्टमर के साथ। मुझे लगता है आज भी स्कैम होगा मेरे साथ, क्योंकि मैं आज भी टेम्पर ग्लास मंगवाया हूँ तो लेके आते हैं और दिखाते हैं आपको कि आज भी मेरे साथ स्कैम होता है या नहीं टेम्पर ग्लास लेने में। पहले वाला तो ये है, एकदम घटिया साइज़ का, प्रॉपर साइज़ का नहीं मिला, तो आज होप करता हूँ कि मेरे को मिल जाए अच्छा वाला टेम्पर ग्लास मेरे कैमरा के लिए। फाइनली तो पार्सल आ गया, तो खोल के देखते हैं इस बार भी हमें चुना लगता है या सही का सामान आता है। खोलते हैं, पूरा डिस्प्ले के साइज़ का है कि नहीं देखता हूँ, अगर नहीं हुआ तो लगाऊंगा ही नहीं, मैं चिपकाऊंगा ही नहीं, पूरा डिस्प्ले का साइज़ होना मांगता है हमको, कैमरा के डिस्प्ले का साइज़ होने को मांगता है, नहीं तो नहीं लगाएगा। इस बार का शायद है, इस बार का शायद एक्यूरेट है डिस्प्ले के साथ मेल खाने वाला। टेम्पर उठा दिया मैंने, अभी लगने वाला है नया वाला, फुल साइज़ का एक्यूरेट। आज का वाला टेम्पर ग्लास आराम से लग गया, फिर भी ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है इसमें भी, क्योंकि ये फुल साइज़ वाला नहीं है। 70-80% ही खुश होऊंगा मैं आज के प्रोडक्ट से भी, क्योंकि इसके अंदर देखो आप बबल्स दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को डिस्प्ले के अंदर, टेम्पर ग्लास के अंदर। तो गाइस जैसा अभी अभी मैंने वीडियो की एडिटिंग कम्प्लीट की है, तो आज के ब्लॉग में बस इतना सही था, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।